ना चालू नहीं, ना पाइपलाइन चालू हुई, ना नल चालू है, ना कच्ची नहीं चालू। तो इसके पहले जब अग्निवीर योजना आई तो सही लगी थी? हाँ वो तो सही है, लेकिन अब गलत है। अरे सचिन पायलट को हमारा सीएम नहीं बना, इस वजह से हम वोट भाजपा को। हाँ गुर्जर समाज बिल्कुल नाराज है, पायलट साहब को अगर धोखा दिया है तो हम भी कांग्रेस को धोखा देंगे, हम बीजेपी। सिकराय के बाद राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा महुआ पहुंची है। एक विधानसभा है, बड़ी दिलचस्प विधानसभा है। दिलचस्प यहां पर इस बार दो उम्मीदवार, ओम प्रकाश हुडला कांग्रेस से, अभी ईडी की रेड पे पड़ी थी, बड़ी चर्चा में आ गए। इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार यहाँ पर टिकट दिया है, राजेंद्र मीणा। साथ में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है जिनका नाम लगातार चर्चा में आ रहा है, रामविलास गोयल शायद नाम है ना, राम निवास गोयल उनका नाम है। त्रिकोणीय एक मुकाबला होगा, जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जनता का क्या मत है, किसके लिए इस बार मतदान करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र है मेरा नाम। पुष्पेंद्र, क्या सबसे पहले मुझे मुद्दे बताओ इस गांव के, क्या मुद्दे हैं? राजेंद्र और रामवास गोयल के लिए वोट जाएंगे यहाँ से। मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ, क्या विकास होने हैं गाँव में? ना तो पानी आया यहाँ पर, विकास बहुत कम, ना चालू नहीं हुई, ना पाइपलाइन चालू हुई, ना नल चालू है, ना कच्ची नहीं हुई चालू, ये कुछ चालू नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, व्यवस्था ऐसी, ये है बात। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र गुर्जर है। बस समस्या ही समस्या है मेरे गांव में, मतलब पानी नहीं आया अभी, पाइपलाइन डल चुकी हैं, हर काम हो चुका है लेकिन, और घर भी वैसे ही है, मतलब कि कुओं से पानी लाते हैं चेंच के, उनके लिए सुविधा भी नहीं मिल रही है कुछ भी अभी। अच्छा, क्या करते हो वीरेंद्र? कुछ नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। किस चीज़ की तैयारी? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की? अग्निवीर वाली? हाँ अग्निवीर वाली। अच्छा, अग्निवीर का जैसे तैयारी कर रहे हो, तो इसके पहले जब अग्निवीर योजना आई तो सही लगी थी आपको? हाँ वो तो सही है, लेकिन अब गलत है। समझाओ कैसे? ये कि 4 साल में मतलब कि रिटायरमेंट हो जाता है इंसान, और वैसे भी अब, और पैसे भी नहीं दे रहे इतने, और शहीद को दर्जा भी नहीं दिया गया अभी कुछ भी, ये गलत ही तो है। पहले सही थी पूरी जॉब, अब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो शहीद वाला मामला तो अलग था ना, तो आत्महत्या कर ली थी शायद? तो आत्महत्या उनको वो भी नहीं दिएगा बल्द, मतलब कि सलामी भी नहीं दी गई थी उन्हें। नहीं तो आत्महत्या अगर किसी ने की है तो शहीद कैसे हुआ? नहीं वो तो आर्मी के अंदर गए, वो तो शहीद ही है, वो तो कैसे भी ख़त्म हो वो तो शहीद ही माना जाता है। चलिए बिल्कुल आपका मत है। ये बताओ वोट किसको दोगे इस बार? वोट इस बार तो हमारे प्लान, तो हम तो मुकुल भड़ाना को देंगे। मुकुल भड़ाना कौन सी पार्टी से? हाँ ये ASP चंद्रशेखर। अच्छा RLP ASP वाला गठबंधन। हनुमान बेनीवाल यहाँ आए थे? नहीं अभी तो नहीं आए थे। अभी नहीं आए? अच्छा क्यों वोट देना चाहते हैं? नहीं वो हमारे गुजर समाज का है। गुजर समाज के तो सचिन पायलट भी हैं। तो अच्छा सचिन पायलट को हम देंगे वोट भी देंगे, सचिन पायलट को मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा था मुकुल भड़ाना, ये अच्छी उन्नति लाएगा, आया है महुआ बाहर का है ना। क्या 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 कह रहे हो? हाँ हाँ एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अरे सचिन पायलट को हमारा सीएम नहीं बना, इस वजह से हम वोट भाजपा को वोट देंगे। पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए वोट भाजपा को देंगे। तो इस बार अगर वोट कांग्रेस को देंगे हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए? अरे नहीं बनावे वो जादू पुड़िया जो दे दें वहाँ को, हमारे तो रोज रोटी दुकान दे रही है भैया, ना तो गहलोत दे रहो ना कोई और दे रहो। क्या जादू पुड़िया किसके पास है? गहलोत के। जब जब वो तो पीछे कुर्सी बैठ जाओ, सरकार आई हुई बैठे वो। अच्छा तो इस बार कांग्रेस की सरकार ही नहीं लानी है ऐसा? नहीं लानी। तो इस बार यहाँ के राजेंद्र मीणा को वोट दो? हाँ अब वो तो समीकरण बताएगा राजेंद्र मीणा जीतता है या गोयल जीतता है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? अच्छा आपसे तो बात हो गई थोड़ा हाँ लद के आप बात करेंगे? बस मेरी रियाकत यही है। ठीक है चलिए, और भी लोग बैठे हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह गुर्जर है। लक्ष्मण सिंह गुर्जर है। अब गुर्जर युवाओं की बात करें तो अभी हमने बात की सचिन पायलट के साथ हैं, मुकेश बड़ाना के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? नहीं हम नया चेहरा था ये सीएम के लिए पायलट, तो इसके पूरे राजस्थान प्रदेश संघ इसने धोखा ही किया है जो उसको सीएम नहीं बनाया, तो हम तो अब भाजपा के साथ हैं। हाँ गुर्जर समाज सभी नाराज है। गुर्जर समाज नाराज है? हाँ गुर्जर समाज बिल्कुल नाराज है साहब। किस बात को लेकर नाराज है? वो इसी बात में नाराज है कि नया चेहरा नया युवा था पायलट साहब, और फिर कांग्रेस ने धोखा दिया है प्रदेश को नहीं, और फिर उनके जो मंत्री और जो कांग्रेस के जो थे
वो भी ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो हमें गहलोत ही चाहिए। प्रसाद लाल जी बोले, अखबार में आती है, सब चीज़ में आती है। तो हमने तो साहब ये समाज ने हमारे तो ये कर लिया, अगर पायलट साहब को अगर धोखा दिया है तो हम भी कांग्रेस को धोखा देंगे, हम बीजेपी में वोट देंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे। तो इससे नुकसान किसका है? किससे? गुजर अगर पायलट के साथ नहीं जाते हैं, नुकसान किसका है? पायलट का है ना? नहीं साहब, वो पायलट का नुकसान है साहब। पायलट का क्या नुकसान? भाजपा के लिए ही हम वोट देंगे, और भाजपा अच्छी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी से देख दो देश को, उसने जो उसकी पहचान बनाई है, उसने दो तीन काम किया है, जैसे 370 उसने मतलब JNDK में जो हटाई है, राम मंदिर का जो मुद्दा था, और जो देश को अच्छी पहचान बनाई, तो मोदी के साथ भाजपा अच्छी पार्टी है। तो भाजपा, तो हम राज्य की बात कर रहे हैं ना, राज्य में हमें कौन सी पार्टी चाहिए? राज्य में हमको ये भाजपा ही चाहिए। अरे साहब, पार्टी को जो कांग्रेस को जो टिकट मिलना चाहिए था, वो वहाँ टिकट नहीं मिला। बेचारे रामनिवास गोयल कब से, आज 15 साल से प्रयास कर रहा था। अजीत सिंह 15 साल से प्रयास कर रहा था, उनको टिकट नहीं मिला। और जो पहले बीजेपी में था, फिर निर्दलीय लड़ा, उसको कांग्रेस को टिकट मिल गया इस महुआ क्षेत्र से, हुल्ला को। तो धोखेबाज है या नहीं है ये पार्टी? हुल्ला धोखेबाज है, पार्टी धोखेबाज है। हुल्ला भी धोखेबाज है, ये भी पार्टी, गहलोत धोखेबाज है। इसलिए हम तो साहब बीजेपी चुनी है हमने। हाँ ठीक है, ठीक है। और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, युवा हैं, कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बात करेंगे? बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे? चलिए, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, महुआ में और भी जगहों पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस प्रकार का समीकरण इस बार यहाँ पर देख रहे हैं राजेंद्र मीणा के लिए, या फिर ओम प्रकाश हुड्डा, या एक और नाम जो गोयल सामने आ रहे हैं।